good morning lovely students i hope you all are safe and sound so today we are discussing your worksheet number 136 this is your english worksheet of class 3 and it is based on the unit 5 the yellow butterfly before starting this worksheet you have to write down your class with the section a b c d date that is 18 december 2021 your name and your teacher's name and then you have to start this worksheet so let's start your worksheet first let us begin our day by reading a beautiful story a yellow butterfly from the textbook marigold aaj ka hum jo aaj ki class hai wo hum marigold ki jo story book mein jo story di gayi hai yellow butterfly wo padh kar karenge read the story aloud and then fill in the blanks with the appropriate word to complete the story आप स्टोरी पढ़ेंगे और ये जो आपको the blanks दिए गए हैं से appropriate तरीके से fill करेंगे सही तरीके से So let's start. फर्स्ट इज yellow डैश फ्लू अराउंड इन द सोनूज डैश तो ये क्या पिक्चर है ये बटरफ्लाई तो अ येलो बटरफ्लाई अ येलो बटरफ्लाई ये फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन जो एक पीले रंग की बटरफ्लाई है वो सोनू के बगीचे की चारों तरफ घूम रही थी या उड़ रही थी ही saw द बटरफ्लाई एंड ran टू कैच इट वो उसने सोनू ने बटरफ्लाई देखा देखी और वो उसे पकड़ने के लिए भागा बट द बटरफ्लाई क्योंकि क्या बटरफ्लाई की पिक्चर है तो आप बटरफ्लाई फ्लू एंड फ्लोटेड ऑन अ ली जो बटरफ्लाई थी वो उड़ गई और एक पत्ती पर बैठ गई यानी कि उस पर तैरने लगी इन द पोंड तालाब था वहाँ उसमें सोनू लुक्ड अराउंड एंड फाउंड दैट द बटरफ्लाई वॉज सिटिंग बी यू डबल टी आर बटरफ्लाई सोनू ने देखा और वो इधर उधर उसने पाया कि बटरफ्लाई वॉज सिटिंग ऑन अ पिंक फ्लावर उसने देखा कि जो बटरफ्लाई है वो पिंक फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है देन इट फ्लू अगेन ओनली टू गेट कॉट अप इन द स्पाइडरस वे वो दोबारा से उड़ी और कहाँ जाकर फंस गई वो स्पाइडर यानी कि जो मकड़ी थी उसके जाले में फंस गई द स्पाइडर जो मकड़ी थी वो द स्पाइडर वॉन्टेड टू ईट द बटरफ्लाई जो स्पाइडर था वो बटरफ्लाई को खाना चाहता था बट सोनू सेव्ड इट एंड लेट हर फ्री जस्ट एज जस्ट टू सी हर स्माइल पर सोनू ने उसको बचाया और इससे फ्री करा दिया ताकि वो उसकी एक सुंदर सी स्माइल देख सके ठीक है तो देख आ, हमारा पूरा पैराग्राफ क्या बनेगा येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन ही सो द बटरफ्लाई एंड रेन टू कैच इट बट द बटरफ्लाई फ्लू एंड फ्लोटेड ऑन अ लीड इन द प्ड सोनू लुक्ड अराउंड एंड फाउंड फाउंड दैट द बटरफ्लाई वॉज सिटिंग ऑन अ पिंक फ्लार देन इट फ्लू अगेन ओनली टू गेट कॉट अप इन अ स्पाइडरस वेब द स्पाइडर वॉन्टेड टू ईट द बटरफ्लाई बट सोनू सेव्ड इट एंड लेट हर फ्री जस्ट टू सी हर स्माइल क्लियर एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू रिमेंबर कंपाउंड वर्ड्स आपको याद है कंपाउंड वर्ड्स क्या थे कंपाउंड वर्ड्स थे जिसमें हम दो वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बना रहे थे ठीक है नाउ लेट्स डू लेट्स डू समथिंग डिफरेंट आज हम कुछ नया करते हैं वी शैल मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड आज हमें कंपाउंड वर्ड्स को तोड़ना है पहले हमने जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है प्राइम और मिनिस्टर से मिलकर बना प्राइम मिनिस्टर अब हमें ये प्राइम मिनिस्टर टर्म को तोड़ना है ब्रेक द कंपाउंड वर्ड टू इट्स बेसिक और रूट वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू हमें कंपाउंड वर्ड्स को अपने बेसिक वर्ड्स में ऐड करना है जैसे फर्स्ट था बटर फ्लाई तो बटर अलग कर दिया फ्लाई अलग कर दिया यहाँ पर एवरी वेअर तो इसमें से हम एवरी अलग कर सकते हैं और वेयर अलग कर सकते हैं इन दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है इन साइड इन अलग और साइड अलग और वाटर लिली वाटर लिली में वाटर अलग कर दीजिए और लिली अलग कर दीजिए ठीक है तो इस तरीके से हमने इन कंपाउंड वर्ड्स को ब्रेक कर दिया है आई होप दिस वर्कशीट यूजफुल फॉर यू इफ इट इज यूजफुल फॉर यू प्लीज़ लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच